ये गरम गरम ताजा बना रहे हैं सभी के सभी लोगों के लिए, मदद के लिए। अभी नरम है थोड़ा, बिल्कुल नरम है क्योंकि गरम है। गरम है थोड़ा, ये ठंडा हो गया, खस्ता होता है, खस्ता हो जाएगी बिल्कुल। ये देखो, ये जो कैंडी होती है ना, ये देखो, हाँ ये निकली जा रही है। ये देखो, ये निकल के यहाँ ये सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले बनाने के लिए इसको चीनी और गुड़ का दोनों का मिक्सचर लिया जाता है। तो 2 किलो लिया है सामान, तो 1.5 किलो गुड़ रहेगा और 1/2 किलो रहेगी चीनी। तेल ले लिया है, तेल में डाल दिया गुड़ और चीनी, मिक्स कर दिया जो इन्होंने, ये 2 किलो ली है। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं गैस तेज किए हुए और ये ऊपर से उबल के आ गई है। ये चीनी और गुड़ का पूरा मिक्सचर है। अभी साथ में पोचा लगा देते हैं पानी का, ताकि ये नीचे लगे ना। ऊपर और डाल दिया है देसी घी, ताकि नीचे इसका जले ना बिल्कुल भी। इसका जो टेक्सचर है ना वो सॉफ्ट रहे, तो टेक्सचर बिल्कुल थिक आ चुका है। उसको साथ ही साथ हिलाते रहेंगे लकड़ी की मदद से, ताकि ये नीचे ना लगे। बहुत तेजी से हाथ हिलाना पड़ता है, ताकि नीचे जो है बिल्कुल भी ना लगे। इसकी ये देखिए काफी ज्यादा हैवी हो चुकी है, गरम गरम है। इसको गरम गरम ही बनाया जाता है, ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाती है। ये क्या डाला है? मीठा सोडा। मीठा सोडा, मीठा सोडा। उससे क्या होता है? इससे करारा बनाता है। अच्छा, करारा बनाता है। अब ये डलेगा घी, इसमें दोबारा घी, देसी घी। दोबारा घी क्यों डाल रहे हैं? दोबारा घी, इसमें खस्ता बनाता है, इससे भी खस्ता बनाएगा। हाँ हाँ, करारा हो जाएगा। मेरे को साथ ही साथ हिला रहे और बिल्कुल मिक्स कर दिए। 2 से 3 किलो मूंगफली और बाकी है गुड़ और चीनी। चीनी की मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा कम रहेगी, गुड़ की ज्यादा रहेगी। गुड़ की ज्यादा, गुड़ पट्टी है, गुड़ पट्टी है। तो मैं पत्थर पे डालूंगा। ये पत्थर बिल्कुल साफ सुथरा पत्थर है। हाँ, ये हो गया, ये पत्थर पे डाल दिया अपने। ये बिल्कुल पत्थर पे, अब बेलना चालू। ये साथ के साथ इसको बेलते रहेंगे। ये साथ के साथ बेलते रहेंगे यहाँ पे। और ये एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि इसका साइज, ये जो गोल करते हैं, गोल करने का तरीका ये है। ये क्या होता है भैया? सर्कल सा घेरा, 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 घेरा। साथ के साथ प्रॉपर ये देखो, ये साइज गोल जैसे बनता है, गोल इसके कारण बनता है जो घेरा है। और ये कितने किलो हो चुकी है इस टाइम? 5 किलो। हाँ जी, 5 किलो निकली। और क्या इसका रेट क्या रहता है? कितने रुपए किलो चलती है? कम 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो बिकती है। 200 से 160 तक बेच सकते हैं। 160 से 200 तक किलो। हाँ, ये 3 से 4 मंदे लगे हैं साथ में करने में। और साथ में ये निकली जा रही है। ये देखो, ये निकल के यहाँ ये सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि बहुत गर्म होती है ना। ये देखो, तैयार है, तैयार। ये गर्म गर्म ताज़ा बना रहे हैं सभी लोगों के लिए, मदद के लिए। और साथ साथ गरम गरम बन रही है तैयार होने के लिए। क्या रेट बिकती है? ये कम से कम मान लो 160 से 200 तक बेचते हैं। 160 से 200 तक बिल्कुल ताज़ा निकल के, बिल्कुल ताज़ा निकल के। हाँ, मैं आपको हल्की सी तोड़ के दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल अभी नरम है थोड़ा, बिल्कुल नरम है क्योंकि गर्म है। गर्म है थोड़ा, ये ठंडा हो गया, खस्ता होता है, खस्ता हो जाएगी बिल्कुल। ये देखो, ये जो कैंडी होती है ना, ये देखो। हाँ, ये देखो भाई, गरम गरम खा रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आई, मैं ट्राई कर रहा हूँ गुड़ पट्टी गरम गरम। जो गरम खाने का मजा है ना, वो ठंडे में नहीं है। नहीं है ठंडे में, नहीं, नहीं है। गरम अलग चीज होती है, गरम अलग चीज। गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है, बेहतरीन तोहफा है। सर्दियों का मौसम, सर्दियों में गरम गरम कहीं आप क्या खा रहे ना, और सर्दियों में अगर ठंडी खा के देखो और गरम खा के देखो, आपको फूड डिफरेंस पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया है।